इन दिनों देश में महिला पहलवानों और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच कुश्ती की महाभारत जारी है। इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा है। अब तक कई उतार चढ़ाव इस पूरे मामले में देखने को मिले हैं, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है, जिसे बृजभूषण के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। नाबालिग पहलवान ने बयान बदला था, इसलिए हुई रिपोर्ट क्लोज। नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। बालिग पहलवानों के केस में चार्जशीट दाखिल। वहीं ये भी कहा गया है कि 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 ए, 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। जानिए किन मुद्दों पर सहमति बनी थी। WFI का चुनाव 30 जून तक करने, WFI में महिला अध्यक्ष की अगुवाई में इंटरनल कमेटी बनाने की बात हुई थी। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और उससे संबंधित लोग चुनकर लाए, ये रेसलर की मांग थी। महिला खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अंतरिक्ष कुमार के एक जजमेंट के मुताबिक 7 साल से कम सजा वाली धाराओं में गिरफ्तारी जांचकर्ता के खुद के विवेक पर निर्भर करता है। आरोपी जांच में सहयोग करता है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं। वहीं पुलिस के मुताबिक बृजभूषण सिंह को जब भी जांच संबंधी सवालों को लेकर संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरा सहयोग किया, इस कारण उनकी गिरफ्तारी की कोई खास वजह नहीं थी। हालांकि पहलवानों ने कहा था कि अगर 15 जून को बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन फिर से शुरू होगा, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि पहलवान अब पीछे हट गए हैं या कोई नया फरमान सामने आ सकता है।